जीरो करना है। Vx की वैल्यू क्या रखती है? हम जीरो। तो x स्क्वायर माइनस
अब इसको जीरो है, अब इसको हम x की वैल्यू कैसे निकालें, तो क्या करना है, x x की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फैक्टराइज करना पड़ेगा। क्लास 8 में भी सीखे होंगे फैक्टराइज कैसे करते हैं। तो फैक्टराइज करने के लिए क्या, इसका मल्टीप्लाई और इसका मल्टीप्लाई लास्ट में कितना है, 1 है, और इसका -6 कितना आ गया, -6। नहीं भी जानते तो सीख लो, यहां पर जिसका मल्टीप्लाई है इसी स्क्वायर का, वो 1 है और लास्ट का कितना है, -6 है, तो 1 * 6 तो -6 आ गया। तो पहला टर्म को एज इट इज लिखना है, दूसरा टर्म को छोड़ दो, ये लास्ट में मैंने लिख के जीरो कर दे दीजिए। क्या लिखे, तो इस x फॉर्म को ब्रैकेट में x का मल्टीप्लाई कितना है, -1, यहां पर कितना है, -1। तो इस -x को हम दो पार्ट में बांटेंगे, दो पार्ट में तोड़ेंगे, इसके फॉर्म पे उस दो पार्ट का मल्टीप्लिकेशन -6 आना चाहिए और प्लस माइनस का रेशियो आना चाहिए। तो क्या है, सीधा लिखो -3x और +2x, देख लो -3 करोगे कितना आएगा, -6 आएगा, और इसको प्लस माइनस करो, -3 सब करो प्लस करोगे कितना आएगा, -6। इस -6 को इसे इंटीग्रल ब्रेक किया हुआ है, तो कैसे, फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लिकेशन करके देखना है हमको, दो नंबर चूज करना है, दो नंबर चूज करोगे उसको देख के हमको ब्रेक करना है, कैसे, इसको दो नंबर ले दे -3 और -2 ले ले, दोनों मल्टीप्लाई कर, ये सेटिस्फाई करना चाहिए, ये तरीका है मल्टीप्लाई करने का, मल्टीपल फैक्टर का, ठीक है। तो अब दोनों का जोड़ी बना दो, पेयर दोनों में कॉमन है, क्या x कॉमन है, x कॉमन है, x निकल कितना बचा, x यहां से x निकल क्या बचा, -3। अब यहां पर से देखो, यहां से क्या कॉमन निकल रहा है, 2 कॉमन निकल रहा है, क्या बचा, यहां से 2 निकल रहा है, x बचा -3। 6 का क्या है, 6 मतलब 2 * 3 तो 2 बाहर आ गया, क्या बचा, -3। अब देखो दोनों ब्रैकेट में x - 3 x - 3 हमेशा से इक्वल दिखेगा, x - 3 कॉमन निकल रहा है, तो यहां से क्या बचा, x - 2 = क्या है, 0। यहां से इसको 0 कर दो और इसको 0 कर दो, दोनों को यहां 0 करोगे तो x - 3 = 0 और x + 2 = 0। यहां 6 को कितना आ गया, 3, और यहां 6 को कितना आ गया, -2, कितना आ गया, -3 और -2। देखो x का वैल्यू है 3 और x का वैल्यू कितना आ गया, -2, यहां माइनस था इसलिए, यहां x का वैल्यू 3 आ गया, x का वैल्यू -2, तो इसका 0 कितना हुआ, +3 और ये -2, +3 और -2, लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा था, -2 और -3 लगा रहा है, इसलिए ये -2 और -3 उसका 0 नहीं है, बल्कि कौन है, +3 और -2 इस इक्वेशन का 0 है। इस टर्म को याद रखना, कैसे कि इसको वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं, इससे अपन को पता चल जाएगा कि कैसे इसके 0 निकालना है। 2 का पावर है तो कैसे फैक्टराइज करें, फैक्टराइज करने का तरीका है, नहीं जानेंगे तो अपन व्हाट्सएप या कॉल करके मेरे को पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा 0 निकाल देते हैं, ये पावर 2 है, देखो पावर 2 है मतलब डिग्री 2 है, इस डिग्री 2 होने की वजह से इसका 2 जीरो निकला, हमको चेक करने को बोला था कि यहां पास क्या है, कि उसका डिग्री है कि नहीं, तो भी पता चल गया और ये भी पता चल गया, देखो क्या इसका सॉल्यूशन। अब उसके बाद देखेंगे तीसरा क्वेश्चन, वहां पर क्वेश्चन में बोला है कि x = 3/2 इज अ जीरो, क्वेश्चन में पहले बोल दिया है कि 3/2 क्या है, 0 है, किसका, पॉलीनोमियल का। तो सबसे पहला तो हम क्या, हमको पॉलीनोमियल की वैल्यू लिख लो, क्या है, 2x का स्क्वायर प्लस kx माइनस 12, राइट, तो ये इतना है। तो हमारा पहला काम क्या होता है कि px की वैल्यू को क्या करना है, 0, तो क्या हो गया, 2x स्क्वायर प्लस kx माइनस 12 इज इक्वल टू क्या लिख दिया हमने, 0। अब क्वेश्चन में कोई पहले से बोल दिया कि 0 है, तो हमको मानना पड़ेगा, क्वेश्चन में बोल दिया है कि वो 0 है, तो 0 है, इसका मतलब क्या है, इसी के साथ सेटिस्फाई करके 0 कर दे, जिसने 0 कर दिया तो पुट करके देख लेते हैं क्या, पुट करके देखो 2, तो इसके जगह में क्या है, 3/2 x के जगह में 3/2 स्क्वायर k, इसके जगह में क्या है, 3/2 माइनस 12 इज इक्वल टू 0, क्या आ जाएगा, 2 यहां 3 3 से क्या हो गया, 9, 2 2 4 प्लस 3k अपॉन 2 माइनस 12 इज इक्वल टू 0। देखो 2 1 से 2 2 चल कट गया, अभी क्या बचे देखते हैं, 9 अपॉन 2 प्लस 3k / 2 माइनस 12 इज इक्वल टू 0। हमको क्या k की वैल्यू चाहिए, तो k को एक साइड रखो, बाकी सब उधर भेज दो, क्या बचा, 3k / 2 इधर गया तो माइनस के आगे प्लस हो गया, और ये वाला 9 - 2 क्या हो गया, माइनस ही हो गया, तो 3k / 2 क्या है, एलसीएम निकाल लो, इसको एलसीएम नहीं आता, एलसीएम देख लो, 1 और 2 का एलसीएम कितना आ गया, नंबर 2, यहां पर 1 इसके मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 24 -
बताओ 3 की 24 माइनस 9 कितना होता है 15 15 और 9 कितना होता है 5 4 9 ठीक तो k की वैल्यू आ गया 15 by 3 तो 3 से 3 कैंसिल हुआ तो k की वैल्यू कितना 5 तो k की वैल्यू कितना है 5 तो k की वैल्यू 5 रखेगा है ना क्वेश्चन जिस तरह से पूछा है हमने बता दिया तो ये है आपका k की वैल्यू कैसे निकालना है किस टाइप से आपको क्वेश्चन मिलेगा एक्सरसाइज 2.2 में पूरे रिलेटेड क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया ठीक है थैंक यू. We'll be right back.